बिल्कुल सुलझा हुआ। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सुलझा हुआ, दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आँख दो, हाथ दो, पैर दो, कान दो, ये दो के दुआ का पढ़ा पढ़ाया है, ये शांति, दो के दुआ का पढ़ा पढ़ाया है, जीवन मरण दो, धरती गगन दो, पुण्य और पाप दो उसने बनाया है, राम के दो अक्षर ने पाप को नसाया है। एक बहुत प्यारा सा गीत, कौन सा? अर की नजराना लहराती जाए अलबे लीला, ये लाल दुपट्टा मलमल का, ये ये लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा जवाहर से भी लाल और लाल लाल छवि अंजन लाल, लहरा रही है ध्वजा विशाल, लाल जवाहर से भी लाल और लाल लाल छवि अंजन लाल, और लहरा रही है ध्वजा विशाल, लाल लगोटा बजरंग, हनुमान जी महाराज का लाल लगोटा बजरंग का है, जब लाल लगोटा है और देखिए आप, लाल लगोटा बजरंग का। पहली बात बन रही है यहाँ से, कि नीले गगन में सुबह भोर होते हुए आडलिया बहनजी सुने आप इस चीज को, सुबह होते हुए सुबह की प्रातः की वेला निकल रही है, हुआ क्या ध्यान करें आप,
क्या बात बेटा, क्या बात। नीले गगनों में प्रातःकाल उदय हुए थे रवि तटिका। जब भगवान सूर्य निकले तो हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? यो बेटा यो है कोई फलिए लाले गुलाब और समझ के छपटे अंजनीला। समझ के छपटे अंजनीला। समझ के छपटे छलांग मारी और तुरंत भगवान सूर्य को निकल लिया। क्या मत बेटा? निकल लिया तो हुआ क्या? क्या हुआ? और समझ के छपटे अंजनीला और सहम गए सूरज तत्का। हनुमान जी महाराज ने उनको निकला। भगवान सूर्य का तेज बहुत कम हो गया, बिल्कुल सहम गए। जब सहम गए तो हुआ क्या? सहम गए सूरज तत्का लाले लगोटा। लाले लगोटा लाले लगोटा लाले लगोटा लाले लगोटा। यो हो भगवान सूर को निकला, हल्के हो गए भगवान सूर। दूसरी बात देखिए आप, रवि को चख लिया है ओ भोर में सबने शोर किया। सुरपति को संदेश दिया और इंद्र को लगता है बिकरा। भोर में सबने पति को संदेश दिया। किशोर पति को संदेश दिया लाले लगोटा बजरंग का। लाले लगोटा भगवान सूर को हनुमान जी ने निकला। अंतिम लाइन देखे आप, बहुत प्यारी सी। पवन रुकी पवन रुकी मच गई हल चल। वायु सद गई और जब वायु सद गई तो हाहाकार मचने लगा। जब मचने लगा तो हुआ क्या?
पवन रुकी मच कई हलचल और सकल देवता ओ कावल और पाए पवन सुत हुए प्रबल। सभी देवताओं का बल हनुमान जी महाराज में पाया हुआ और पाए पवन सुत हुए प्रबल और कोप किया रवि रहे विकल। अमर हुए हनुमान लिहार अमर हुए हनुमान लिहार लाल लगोटा बजरंग जय। ये प्रथम चक्र का पहला राउंड। अब आ रहे हमारी आदरणीय और क्या विद्या जी, आइएगा, स्वागत स्वागत है, सुंदर ब्यूटीफुल। सबसे पहले चलिएगा आपके गीत का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पश्चात तो जवाब की तो कोई बात ही नहीं है ना, बस आपकी तरफ से गीत आया। टाइम भी निर्धारित हो चुका है। कितना कितना क्या बात है, 30 मिनट और क्या, बहुत है, 5 का कंसेशन और हो जाए। चलिए अब तो घड़ी देखनी पड़ेगी। अलार्म लगा लिया है। हाँ, चिंता ना करना। बिल्कुल। गीत आया संतोष भैया की तरफ से। हेलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया साउंड बोल रहा है आज। हाँ। कि बूटे में लिपटे अरमान के ये कि चेहरा पहने कर
अपने हजार लाल दुपट्टा मल मल का लाल दुपट्टा मलमल का और उसमें बड़ा बढ़िया लाल का प्रयोग भी दिखाया है आपने। बहुत बढ़िया लाल भैया जी थोड़ा सा हेलो हेलो भैया जी, एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, आप लोग शोर ना करिए, कुछ समझ में नहीं आता कि इधर सुना जाए कि इधर कुछ कहा जाए। बिल्कुल ये लहरा रही है ध्वजा बिसार और लाल लंगोटा बजरंग का लाल लंगोटा बजरंग का लाल बजरंग का। इसके बाद एक बात आ गई आपकी, क्योंकि टाइम से बंधी हुई है इसलिए विशेष बिल्कुल गीत को बड़ा नहीं कर रही हूँ कि नीले गगन में जब प्रातःकाल रवि का उदय हुआ, एक प्रसंग आपका वो आया और इसके बाद फिर आया, यानी उसका एक आशय लाल लंगोटा बजरंग का। चलिए का प्रयास मैं भी करती हूँ कि हो सकता है जवाब में मेरे भी कुछ लाल आ जाए और उस लाल के लाल में ही कुछ लाल आ जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए का सुनिए का प्रयास। जवाब उसी को कहते हैं किसको, कि हकीकत में जो जवाब जैसा जवाब लगे, जबरदस्ती का जवाब अच्छा नहीं होता ना। लेकिन आपकी बात आई है लाल लंगोटा बजरंग का, तो चलिए मैं ये बताना चाहती हूँ आखिर लाल लंगोटा तो बजरंग का, लेकिन ये लंगोटा आया कहाँ से। बहुत बढ़िया। इसके आगे इसके आगे आपका लाल चलेगा। क्या बात है। बात उस समय की है, रावण को मार करके और भगवान राम के साथ हनुमान जी महाराज लौटे, जब लौटे तो माता अंजनी का आश्रम मिला और जब मिला माँ को जाकर के सारा हाल सुनाया हनुमान जी महाराज ने, और जब हाल सुनाया माँ ने दूध की धार छोड़ दी
और जब छोड़ दी वो दूध की धार तो पर्वत खंड खंड हो गया जिस पर मैया ने दूध की धार छोड़ी। माँ बोली मैं सोचती थी क्या क्या जिधर देखती उधर है लाल लाली मेरे लाल की जिधर देखती उधर है लाल। तो आखिर हनुमान सुनो लाल लगोटा हनुमंत का वहां से लाल पहले नहीं लाल लगोटा हुआ ना? सूरज की गर्भ में मांगा लंगोटा लाल लंगोटा लाल लंगोटा अपने ध्वजा भी बताई तो सुनिएगा आगे भी बात बढ़ रही है। मांगी भी मां की देखीला एक बार माता सीता श्रृंगार कर रही हैं और जब श्रृंगार कर रही थी उन्होंने देखा हनुमान जी ने मैया आखिर ये सिंदूर आप क्यों लगाती हैं? सवाल आई माता ने कहा इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। जय हो। हनुमान जी को लगा कि जब एक चुटकी से प्रभु प्रसन्न होते हैं तो मैं क्यों ना अपने पूरे बदन में। उन्होंने पूरा बदन लाल कर लिया सिंदूर से तो हुआ क्या भैया सुनिएगा क्या बात है। के मांगी भी देखी मांगी भी माँ की देखी लाल और हनुमत बोले माँ मैं तेरा और लाले से राम का मन होला लाले से राम का मन होला लाले से राम का मन होला। तो क्या किया हनुमान
के लाल बदने हुआ हनुमत का ए! क्या बात है लाल से राम का मन होला ए! अरे लाल से राम का मन होला लाल बदने के लंका में आग की लपट थी लाल जिसको जल रही थी लंका दूधो करके जल रही थी लपटे छोड़ रही थी तो लाल लाल बन गई है फिकरा हेलो 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 लाल नयन हनुमत के लाल नयन